हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने सी जी पी ए टी और सी जी पी वी पी टी एग्ज़ाम दिया है तो स्टूडेंट्स आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट आप लोगों का 10 से 12 दिनों के अंदर में आ जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से ठीक है करवाना पड़ेगा। रिजल्ट आप लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा, आप रिजल्ट देख लीजिए ठीक है। रिजल्ट के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों की ये वेबसाइट रहेगी जिसके माध्यम से आप लोगों की काउंसलिंग कराई जाएगी ठीक है। तो ये जो काउंसलिंग है इसकी जानकारी भी हम आप लोगों को देंगे। IGKV की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपकी काउंसलिंग होगी। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स IGKV लिख सकते हैं। जैसे आप IGKV लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले एक इंटरफेस मिल जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों का रिजल्ट सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों की काउंसलिंग कराई जाती है ठीक है। रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स तो आप लोग CG व्यापम करके सर्च कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट्स आप CG व्यापम करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स पहला ही इंटरफेस मिल जाएगा नोटिस व्यापम वाला। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा। वहाँ से नहीं तो स्टूडेंट्स आप लोग रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट पर जाकर क्लिक करके ठीक है यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो भी आपके रिजल्ट आएंगे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में यदि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को आधार कार्ड लगेगा स्टूडेंट्स, ऑरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लगेगा ठीक है। 5 से 6 फोटो आप लोगों को लगेगी काउंसलिंग के समय में। इसके बाद में स्टूडेंट्स TC माइग्रेशन ठीक है, आप लोगों का CGPAT या PVPT का जो रिजल्ट आया है वो आपको लगेगा। काउंसलिंग कराते समय आप लोगों को ठीक है जो फॉर्म आप फिल करेंगे वो आप लोगों को यहाँ पर लगेगा। तो कौन कौन से कॉलेज हैं स्टूडेंट्स जिस कॉलेज के लिए आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉलेज की लिस्ट है, आप कॉलेज देख लीजिए। मैं और जूम कर देता हूँ उसको। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर वाला कॉलेज है, जगदलपुर में SG कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है ठीक है, RMD कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंबिकापुर में है, SK कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आप लोगों का जो है कवर्धा में है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है जहांगीर चांपा में है, फिर आपका भाटापारा में है, फिर राजनंदगांव में स्टूडेंट्स आप लोगों का कॉलेज है, फिर आपका रायगढ़ में है, फिर आपका ठीक है कोरबा में है, फिर इसके बाद में आपका बेमतरा में है, कांकेर में है, बिलासपुर में है ठीक है, गरियाबंद में है ठीक है, आपका स्टूडेंट्स कुरूद में है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का ठीक है श्रीगंधन में है, फिर इसके बाद में कोरबा में है, जसपुर में है ठीक है, महासमुंद में है, नारायणपुर में है आप लोगों का ठीक है, पाटन में है आपका कॉलेज, इसके बाद में बेमतरा में दूसरा कॉलेज है, फिर मुंगेली में है ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका ठीक है प्रतापपुर में है, सूरजपुर ठीक है, इसके बाद में आपका स्टूडेंट्स बलरामपुर में है, कांकेर में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से आगे चर्चा यदि हम करें तो आपका स्टूडेंट्स ठीक है दुर्ग में है, भिलाई में आपका है एक, आपका रायगढ़ में है, धमतरी में आपका एक और कॉलेज है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है अंबिकापुर में है, राजनंदगांव में है ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स राजनंदगांव में 2 कॉलेज हैं आप लोगों के, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप लोगों की सीटें हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी जो है 2000 ठीक है 73 टोटल सीटें हो रही हैं। ये BSc एग्रीकल्चर की सीटें हैं स्टूडेंट्स आप लोगों की। तो ये सारी जानकारी हमने आपके साथ में शेयर किया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होता है। लास्ट ईयर जो अपने कोचिंग संस्थान से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आप लोगों का कॉलेज अलॉट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, PAT का रिजल्ट या PVPT जो भी एग्जाम आपने दिया उसका रिजल्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट यदि आपने लगाया है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बाकी प्रोसेस आपकी कॉलेज स्तर पर होगी। तो ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स हमने आपके साथ में शेयर किया है। जो भी बच्चे अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आपको YouTube पर वीडियो बनाकर बताएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2025 के लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस जोन अकेडमी छिंदवाड़ा सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है। तो आप भी अपना करियर बना सकते हैं। बाय बाय।